हेलो गाइस, वेलकम टू टेक ब्लडेड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज एन एपीआई। तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि एपीआई का यूज करना है, एपीआई का यूज करके एप्लीकेशन बनाना है, या फिर किसी और एप्लीकेशन के एपीआई का यूज करके अपना एप्लीकेशन बनाना है। तो आपने बहुत जगह एपीआई सुना होगा, लेकिन ये एपीआई क्या चीज है, या अगर ये आपको जानना है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखते हैं एपीआई क्या है। तो व्हाट इज एन एपीआई, तो एपीआई का फुल फॉर्म में देखे दोस्तों, ए फॉर एप्लीकेशन, बी फॉर प्रोग्रामिंग एंड आई फॉर इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। लेकिन ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का यूज क्या है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं एक आपको एपीआई का रियल लाइफ एग्जाम्पल दे देता हूँ, मतलब एपीआई समझने के लिए आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि एपीआई कैसे वर्क करता है। सपोज दोस्तों, आप एक होटल में गए, एज्यूम कीजिए, और उस होटल में इस टेबल पे आप बैठे हैं। तो इस टेबल पे आपके पास मेन्यू कार्ड है, और उस होटल का ये जो एक वेटर है, ये उस होटल का वेटर है, ये आपके पास आएगा, बोलेगा सर बोलिए आपको क्या चाहिए। तो आप इस मेन्यू कार्ड में से जो भी आपको आइटम पसंद आता है उस आइटम का नाम लेंगे, और वेटर को बताएंगे कि मुझे ये चाहिए। तो आप वेटर को क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। वेटर को क्या कर देंगे आप, ऑर्डर देंगे। फिर वेटर क्या करेगा, वो ऑर्डर लेके किचन में जाएगा। सपोज ये उस होटल का किचन है, तो वेटर क्या करेगा, उस किचन में जाएगा और वो कुक को बताएगा कि ये चाहिए। तो वो कुक क्या करेगा, ये सब आपको जो भी चीज चाहिए वो बना के वेटर के पास वापस दे देगा, और वो वेटर आपको ऑर्डर सर्व कर देगा। राइट? तो आपने क्या किया, वेटर को ऑर्डर दी, वेटर ऑर्डर लेके किचन में गया, किचन में से कुक ने वो जो भी आपके ऑर्डर है वो बना के दे दी, और वेटर ने वो आपको ऑर्डर सर्व कर दी। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेटर को बताना है कि आपको क्या चाहिए। मीन्स आपको सिर्फ फूड का नेम बताना है, मीन्स वॉट, मीन्स आपको सिर्फ क्या चाहिए ये वेटर को बताना है। लेकिन वो कैसे बनता है, क्या उसमें क्या क्या डाला जाता है, ये आपको पता करना नहीं है। तो आपका सिर्फ काम क्या है कि आपको क्या चाहिए वो वेटर को बताना है, और बाद में वो कैसे बनेगा, कितने देर में बनेगा, ये सब काम किचन का है। क्या किचन में प्रोसेस होती है, हाउ, मतलब वो कैसे बनेगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, ये सब किचन में डिसाइड होगा, आपको इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसी तरह से हमारे एपीआई वर्क करते हैं। सपोज ये आपकी सिस्टम है, ये आपकी वेबसाइट है जिसमें आप एपीआई यूज कर रहे हैं, और आपने अपने सिस्टम से रिक्वेस्ट कर दी थ्रू एपीआई। एपीआई क्या है, ये वेटर है, तो आपने वो रिक्वेस्ट कर दी, तो आप सिर्फ एंड पॉइंट देंगे। रिक्वेस्ट कर दी यानी आपने फूड ऑर्डर कर दिया, फिर बाद में वो एपीआई रिक्वेस्ट लेके कहा सर्वर पे गया, और सर्वर क्या करेगा, उस आपकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई आपके पास भेज देगा। जो भी आपको डेटा चाहिए वो डेटा आपको मिल जाएगा थ्रू एपीआई। तो आपको यहाँ डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप थ्रू ये दिस एपीआई आप सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो पता कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रियल लाइफ एग्जांपल ले दिया कि वेटर कैसे एज ए एपीआई काम करता है आपके और किचन के बीच में। तो समझिए, तो ये तो आपको पता चल गया कि एपीआई क्या करता है। तो और एक एग्जांपल लेता हूं जो वेबसाइट से जिनमें एपीआई यूज होता है। सपोज देखिए, ये कोई एयरलाइंस है मेरी, और इस एयरलाइंस में मैं क्या करता हूं, सपोज मेरी कोई एयरलाइंस है, और मेरी एयरलाइंस की टिकट्स, बहुत सारी सर्विसेज है जो मेरी एयरलाइंस की टिकट्स बुक कराती है कस्टमर्स को। यानी मैं क्या करता हूँ, मेरी एपीआई के द्वारा इन सारे सर्विसेज को मेरा एयरलाइंस के बुकिंग का डेटा दे देता हूँ, मतलब कितने सीट्स बाकी है, कितने सीट्स बुक हुए हैं, कौन से सीट्स बाकी है, ये सब डेटा मैं एपीआई थ्रू इनको दे देता हूँ। मतलब दे देता हूँ यानी मैं एपीआई का इनको एक्सेस दे देता हूँ, और इनको एक की दे देता हूँ, इनकी पर्टिकुलर की। ये ए कंपनी है, समझिए, ये बी कंपनी है, ये सी कंपनी है। ये तीन कंपनीज के द्वारा जो कस्टमर्स है वो क्या करते हैं,
जो कस्टमर से वो मेरे एयरलाइंस की टिकट बुक करते हैं, तो उस एयरलाइन में कितने सीट बचे हैं ये सब इनको पता होने चाहिए। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता कि मैं इन सबको मेरे सर्वर का पासवर्ड दे दूँ और चलो आओ बुक कर दो, आपको जो डेटा एंटर करना है एंटर कर दो, जो डेटा डिलीट करना है डिलीट कर दो। तो ऐसा अगर मैं करूँगा तो वो तो मेरे बिजनेस के लिए नुकसान हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, एक एपीआई क्रिएट करूंगा, उस एपीआई का इनको एक्सेस दे दूंगा, इनको की दे दूंगा, जिस की के द्वारा ये मेरे एपीआई थ्रू मेरे डेटाबेस से डेटा ले सकते हैं और कस्टमर्स के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। तो अगर देखे ए ने एक टिकट बुक किया तो वो ऑलरेडी एपीआई थ्रू मुझे पता चल जाएगा कि ए ने एक टिकट बुक कर दिया है और डेटाबेस में वो एंट्री आ जाएगी, और बचे हुए टिकट्स इन तीनों को दिखाई देंगे कि हाँ एक टिकट बुक हो चुका है, बचे हैं इतने इतने टिकट्स। तो इस तरह मल्टीपल यूजर्स एपीआई थ्रू मेरे एयरलाइंस को कनेक्ट कर सकते हैं और विदाउट मेरे डेटाबेस में एंट्री लिए या मेरे सर्वर में एंट्री लिए। तो इनको सिर्फ क्या करना है कि मेरे एपीआई का यूज करके टिकट बुक करना है, इनको कुछ जानना नहीं है कि अंदर प्रोसेस कैसे होती है, मेरे सर्वर में क्या है, कुछ नहीं। तो ये है एपीआई का यूज कि मेरा पूरा सर्वर सिक्योर रहेगा और ये सब एप्लीकेशंस भी मेरे डेटा का यूज कर पाएंगे। सपोज अगर कोई बिजनेसमैन है और उसने एपीआई क्रिएट नहीं किए और उसके उसके सर्वर पे अगर किसी को काम करना है लेकिन उसके पास एपीआई नहीं है, तो वो देखो वो क्या करेगा, अगर उसने उसके सर्वर का पासवर्ड मुझे दे दिया तो क्या होगा। बिल्कुल सही जो राजू कहता है, तो कोई भी आपके सर्वर का गलत यूज ना करे और आपका डेटा भी यूज बाकियों के लिए यूजफुल हो और आपका एप्लीकेशन भी सिक्योर रहे, इसी वजह से आप एपीआई का यूज कर सकते हैं। ये था एयरलाइंस का एग्जाम्पल। तो ऐसे बहुत सारे एपीआईज है जो ओपन है, मतलब कोई भी उन्हें एक्सेस कर सकता है, उनके इन पॉइंट्स को एक्सेस कर सकता है। बहुत सारे एपीआईज पेड होते हैं, यानी अगर आप उन एपीआईज के लिए पे करोगे तो आपको वो एक की देंगे और उस की के द्वारा आप उस एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास की नहीं है तो आप उस एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकते। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक एक्सचेंज रेट एपीआई है, तो इस एपीआई में इन्होंने ओपन एपीआई रखा है, ये इसमें कुछ एंड पॉइंट ओपन है, ये एंड पॉइंट डाल दिया। तो देखिए यहाँ यूएसडी का अदर करेंसीज में क्या कन्वर्जन है ये सब आ गया, ये इतनी सारी करेंसीज में यूएसडी का कन्वर्जन आ गया, मतलब 1 यूएसडी इक्वल टू 3.67 AED। इसमें पीछे क्या प्रोसेस हुई मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मेरा डाटा मिल गया, मेरा काम हो गया और इस जो एक्सचेंज रेट का इंटरनल अल्गोरिदम है इसे कैलकुलेट करने का, वो भी मुझे पता नहीं चला। तो देखिए दोनों का भी फायदा होता है, आपका भी एप्लीकेशन चलेगा और जो प्रोग्राम है वो भी सिक्योर रहेगा। देखिए मैं INR डाल देता हूँ, तो देखिए INR का क्या कन्वर्जन है ये सब अपने को मिल जाएगा, 1 INR इक्वल टू 0.0491 AED। तो ये सारी अदर करेंसीज में कन्वर्जन आ गया कि क्या क्या है INR का। तो ये एंड पॉइंट्स हो गए, उन्होंने ऑलरेडी एंड पॉइंट्स दिए हैं कि इसके लिए ये, इसके लिए ये। लेकिन अभी सपोज मैं एक अनवैलिड करेंसी डाल लेता हूँ ABD, तो मुझे क्या आ जाएगा, एरर अनसपोर्टेड कोड। तो ABD कोई भी करेंसी नहीं है, तो इसलिए मुझे यह आ गया अनसपोर्टेड कोड। और अगर मैं किसी भी गलत एंड पॉइंट पे जाऊँ तो मुझे ऑलरेडी यह आ जाएगा नॉट 404 नॉट फाउंड। अगर ये पेड API होती तो क्या हो जाता, मुझे आ जाता कि वैलिड क्रेडेंशियल्स या फिर एक्सेस डिनाइड ये सब आ जाता, अगर पेड API होती और मेरे पास की नहीं होती। तो अगर आपके पास पेड API है और की है तो आप कुछ कुछ APIs एक्सेस कर सकते हैं जिनके लिए आपने पे किया है। तो दोस्तों ये था API का एक एग्जाम्पल, और आपने देख लिया कि कैसे API यूज होता है, API की वजह से कैसे डेटा आपका सिक्योर रह सकता है और API की वजह से कैसे आप बहुत सारे एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और एक API का एग्जाम्पल दोस्तों, तो और एक API का एग्जाम्पल देखिए, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होगी जहां आपने देखा होगा कि आपको क्या करना पड़ता है, लॉग इन विथ फेसबुक, लॉग इन विथ गूगल आता है। तो ऐसा क्यों करती है, तो उनको भी अपना टाइम बचाना है, यूजर का टाइम बचाना है। यूजर भी बार बार डेटा भर भर के तंग आ जाता है और वो कंपनीज के पास भी उनको इतना सारा डेटा
स्टोर करना पड़ता है, फिर से यूजर को वैलिडेट करना पड़ता है। तो इससे अच्छा वो क्या करती है, गूगल और फेसबुक की जो एपीआई है उन एपीआई को यूज़ करती है और यूज़र को ऑथेंटिकेट करती है। मतलब अगर आपने लॉग इन विथ गूगल कर दिया तो वो क्या कर देगी, वो एपीआई थ्रू गूगल को रिक्वेस्ट करेगी कि देखिए भाई यही है यूज़र मेरे यहाँ लॉग इन कर रहा है या साइन अप कर रहा है, ये सही यूज़र है कि नहीं आप मुझे बताइए। तो वो गूगल एपीआई आप अपने सर्वर में देखेगी आपका डेटा होगा तो वो ऑथेंटिकेट करेगी आपको कि हाँ हाँ ये करेक्ट यूज़र है, इसे एक्सेस दे दीजिए। तो इस तरह से गूगल और फेसबुक एपीआई के द्वारा अदर कंपनीज आपको यूज़र अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकती है। तो इसका फ़ायदा किसको हुआ, आपको भी हुआ और उस कंपनी को भी हुआ। उस कंपनी को भी अपना डेटा बढ़ाना नहीं पड़ा और आपका भी टाइम बच गया कि आपने ऑलरेडी गूगल में आपका अकाउंट था तो आपका अदर टाइम बच गया कि बाद में फिर से डेटा डालो और अपने आपको ऑथेंटिकेट कर लो। तो ये है एपीआई का यूज़। मुझे आशा है दोस्तों आपको एपीआई का पूरा यूज़ समझ में आ गया होगा, एपीआई क्या है ये समझ में आ गया होगा। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग।